हे hey गाइस आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं हूं मुकुंद पाठक मैं इस वीडियो में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर टू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के स्टडी के बारे में गाइस तो आज इस वीडियो में हम केस स्टडी समझेंगे कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाए और किस तरीके से उसको समझा जाए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का केस स्टडी मिस्टर राम एक कैरेक्टर है जिसने अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया हुआ है विथ रिक्वायर्ड रिसोर्सेस तो बेसिकली मिस्टर राम के बिजनेस में रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है लैंड मनी मशीनरी एंड वर्क फोर्स और भी बहुत कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल्स है जो राम ने इसको फुलफिल किया हुआ है नेक्स्ट एंड राम ने अपने बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से और बिजनेस की एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करने के लिए मिस्टर श्याम को एज अ मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है मिस्टर श्याम का रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो एम्प्लॉय को रिक्रूट करेगा सेलेक्शन करेगा और साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग भी देगा और उनका डेवलपमेंट भी करवाएगा लेकिन ये पूरे एक्टिविटी के बाद भी मिस्टर राम ने एज अ सुपरवाइज़र मिस्टर शुभम को अपॉइंट किया हुआ है मिस्टर शुभम ये देखेगा कि जो इम्प्लॉ है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं अगर कहीं पे किसी इम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो मिस्टर श्याम उनको उनकी जो रेमेडीज़ है ठीक है या प्रॉब्लम की जो सॉल्विंग है उसको समझाएगा उनको बताएगा और साथ ही साथ उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनका प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम पे वर्क को कंप्लीट करेगा और उनकी एक्टिविटीज़ का आउटपुट भी निकालेगा तो आपको ये पूरे कॉन्टेक्ट के अंदर मैनेजमेंट फंक्शंस फाइंड आउट करना है मिस्टर राम के थ्रू कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट किए जा रहे हैं मिस्टर श्याम के थ्रू मैनेजमेंट फंक्शंस क्या होंगे और मिस्टर शुभम के थ्रू तो गाइस पूरे क्वेश्चंस पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में टोटल सेवन फंक्शन आपके टेक्स्ट बुक्स में गिवेन है फर्स्ट जो फंक्शन function है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के प्लानिंग देन सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग थर्ड स्टाफिंग फोर्थ डायरेक्टिंग फिफ्थ coordinating एंड sixth एंड द लास्ट वन कंट्रोलिंग तो गाइज आपको इसमें बताना है कि मिस्टर राम का मैनेजमेंट फंक्शंस क्या है मिस्टर श्याम का एंड मिस्टर शुभम का तो हम इसका आंसर स्टार्ट करेंगे ठीक है आपको किस तरीके से लिखना है गाइज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता देता हूँ सेम आपको ऐसे ही आंसर्स राइट डाउन करने हैं मिस्टर श्याम परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बिकॉज मिस्टर राम क्या कर रहा है कि अपने रिसोर्सेस जो भी बिजनेस में लगने वाले हैं उसको रिक्वायर्ड कर रिक्वायर्ड जो रिसोर्सेस उसको फुलफिल कर रहा है और साथ ही साथ अपने बिजनेस की प्लानिंग को भी कंप्लीट कर रहा है एंड ही इज अ एंगेजिंग एंटरप्रीनियोर एंड प्लान द बिजनेस स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइज डिफरेंट रिसोर्सेस आई एफ गाइस ये जो फर्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट था मिस्टर राम का ये आपको समझ में आ गया नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन मिस्टर शाम का फंक्शंस क्या होगा मिस्टर साम इज परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग एज हीज मेन ड्यूटी इज टू बी रिक्रूट सेलेक्ट ट्रेन एंड डेवलप द इम्प्लॉयी एंड टू डिसाइड द रेमुनरेशन स्ट्रेटीज एंड जो थर्ड वन मिस्टर शुभम है इनका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है तो मिस्टर शुभम इज अ प्लानिंग सॉरी परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग he compared the actual performance of the employee with the standard performance given he discovered the causes of the deviations and suggest remedy to outcome deviations to ye ho gaya mr sham ka performance aur iske basis pe ये पूरा जो केस स्टडी दिया था इसके अंदर तीनों कॉन्टेक्ट यानी कि तीन जो मैन कैरेक्टर है उनको एक्सप्लेन किया गया था तो आई होप गाइस ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है आपको कैरेक्टर समझना है कि के स्टडी में आपको कैरेक्टर किस तरीके से दिया हुआ है तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही है आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक like और कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग